मिस्टर टिकैत, आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज खाप में क्या तय हुआ सर, आप लोगों की जो मीटिंग हुई थी उसमें तय क्या हुआ है? उसमें सब लोगों ने अब अपनी बात रखी, स्टेज से सब लोग बोल रहे और तय किया गया कि सरकार से हम प्रतिनिधि मंडल समाज के जो लोग हैं वो एक बार बात करना चाहते हैं, उसमें राष्ट्रपति जी हो या होम मिनिस्टर हो, किसी से भी बातचीत हो जाए, ये तय हुआ है। और क्योंकि कल एक मीटिंग है कुरुक्षेत्र में और वो मीटिंग पहले रखी गई थी, तो कल फिर वापस में जाएंगे और जो भी चर्चा होगी उसमें बैठ के बातचीत हो जाएगी। आंदोलन की भी बात थी, सब चीजों की बात अब अपने लोगों ने वहां पर करी है, लेकिन जो भी ऑथेंटिक बातचीत होगी, कोई घोषणा होगी किसी चीज की, तो वो कल होगी। और प्रति पे ये है कि सरकार से बातचीत हो और इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको बातचीत को। पर टिकैत साहब, लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कि खाप आगे आगे और पहलवान पीछे, वो तो किसी से बात करने रहे, तो खाप कैसे आगे आके प्रतिनिधित्व कर रही है इन पहलवानों का? वे कहां बैठे हैं वो बता दो, वे बोलते हैं कहां उन्हें वहां बैठे की परमिशन दे, तो वे अपनी बात वहां से कहते रहेंगे। भाई वे कहां बैठ कर अपनी बात कहें, वे तो चले गए थे गंगा जी में प्रवाह करते, गंगा जी में प्रवाह हो जाते, अपना वे भी निपराम अपना घर पर काम करते, या ये जो मेडल है राष्ट्रपति जी के वहां या पीएमओ में उसको जमा करवा दो, अपना खत्म होगी बात। इस देश में अपनी बात कहने का, वो किस भाषा में किस तरीके से कहें, वो शांतिपूर्ण बैठ के अपनी बात कह सकते हैं, ये कानून में अधिकार दिया है। जंतर मंतर धरना स्थल है, वहां से अपनी बात कह दो, कहीं कहीं दिन तक वहां पर धरने भी चले हैं, अपनी बात कैसे कहें वे आदमी वो बता दो आप हमको। हम तो जरा गांव के आदमी, भाई कौन सी भाषा में सरकार की मंजी है उस भाषा का बता दो, तो उस भाषा का इस्तेमाल कर लें। पर टिकैत साहब, बृजभूषण शरण सिंह जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, वो तो कह रहे हैं कि देखिए मैंने कुछ गलत करा नहीं, कुछ गलत कराओ तो फांसी चढ़ा दीजिए, गिरफ्तारी उनकी अब तक हुई नहीं है। सरकार बताएगी ना, ऑथेंटिक बयान सरकार ने नहीं दिया, इसलिए सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। भाई एक बार सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, खाप पंचायत बातचीत कर लेंगे, वे बता देंगे, अगर संतुष्ट जवाब नहीं मिलेगा, नहीं कुछ होगा, तो फिर अपना आंदोलन का जो भी रास्ता अख्तियार करना होगा फिर वो कर लेंगे। लेकिन नरेश टिकैत साहब गए थे जब ये पहलवान वहां पर थे, गंगा में अपना जो मेडल्स हैं उनको बहाने वाले थे, अब आरोप ये लग रहा है, और जो जो लोग इस पूरे आंदोलन को, जो रेसलर्स के, जो पहलवानों के आंदोलन को एक पॉलिटिकल ड्रामा के तौर पर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए ये सारा पहले से सांठगांठ थी, रेसलर्स ने पहले ही कह दिया था कि भाई नरेश टिकैत आके बचा लें और इस तरह का ड्रामा करा जाए, और फिर रुक गए वो लोग नरेश टिकैत साहब के जाते, तो क्या पहले से कुछ बातचीत हुई थी आप लोगों की? हमारे दावे संपर्क में है ना, हमारे पास वो नंबर है, नरेश टिकैत जी की पोल डिटेल जरूर निकलवा लो, हमारी निकलवा लो, और हम इस तरह का खेल खेलते, हम तो जो कहते हैं वो साफ कहते हैं ना, हमारे पे इस तरह की राजनीति आती, हम जाएंगे तुम वहां ये करियो वो करियो, वे हो गए थे, और उन्हें भाई और लोगों को भी जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं गए? उन्होंने जिस टाइम ट्वीट किया वो सुबह ही किया उन्होंने, तो उन लोगों को भी जाना चाहिए था, रोकना चाहिए था, किसी का भी एक बयान किसी का भी आया, अरे भाई नहीं डालना चाहिए। हम उस टाइम पर लखीमपुर फ्री में थे, हमने वीडियो डाला और ट्वीट उनका उससे पहले आ रहा था, वे लोग रास्ते में थे, हमने अपने सब लोग यहां से लगाकर हरिद्वार तक लगाए उनको, फिर रोक के हरकी पैड़ी पर उन्होंने कहा था कि वहां पर जाकर लोग को रोक क्या। नरेश टिकैत जी तो 4:30 बजे के 4:15 बजे के आसपास गांव से चले हैं, हमारे पे जालसाजी नहीं आती, खल की राजनीति करते, हम तो ठोकर करते हैं, जो भी करते हैं बिल्कुल कह के करते हैं, हमारे पे कोई दबाव है किसी का कि हम ये छलबाजी दिया करें ऊपर, नहीं करते, हम तो बिल्कुल जो भी करेंगे बिल्कुल कह के करेंगे। हम दिल्ली में ट्रैक्टर लेके गए तो कह के लेके गए, 4 लाख से ज्यादा, अगर जिम्मेदारी नहीं उनकी तो हमने ली कि हम लेके गए थे, हम जो भी करते हैं कह के करते हैं, ये छलबाजी और ये वो हमने सिखाई नहीं ना हमारे ब्लड में।
हमने ये कहा है कि सरकार ये जवाब दे कि इससे पहले किसी की गिरफ्तारी हुई या जांच पहले हुई, या अन्य कानून बना दो जिससे जांच पहले हमें गिरफ्तारी बाद में हो, इसमें क्या दिक्कत है बनाने, ना बना दो इसका कानून। ठीक है सर, मैं अंत में आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। 5 दिन के अल्टीमेटम की कुछ बात हुई थी, तो वो क्या अल्टीमेटम है? क्या 5 दिन बाद खिलाड़ी जाके अपना फिर से अगर नहीं सरकार गिरफ्तार करेगी तो मेडल्स बहा देंगे क्या? शब्दों का चयन है, यह अगर ठीक हो जाए तो बहुत सी भ्रांतियां बाहर आ जाएगी। न पहलवानों ने 5 दिन का समय सरकार को दिया, न पंचायत ने नरेश टिकैत जी ने दिया। नरेश टिकैत जी ने यह कहा कि हम बातचीत इसमें करेंगे, अपनी सलाह करेंगे, आप हमको 5 दिन का टाइम दो और आप घर चलो, ये मेडल आप हमको दे दो। उनको 5 दिन के लिए लेकर आए, तो उनको 5 दिन में जवाब देना है, हमने ये करा है। ना सरकार को अल्टीमेटम दिया, ना कैबिनेट ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। नरेश टिकैत जी खास पंचायत के लोगों ने उनको कहा कि 5 दिन में हम बैठ के इसमें बातचीत करेंगे, इसका रास्ता निकाल देंगे, कुछ सरकार से बातचीत करेंगे, यह क्या होगा, 5 दिन का टाइम दो आप हमको, ये था। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज किस तरीके की तैयारी खाप की हुई और क्या कुछ पहले से प्लानिंग थी खाप और रेसलर्स के बीच में, उसके बारे में हमारे बात करने के लिए।